घर देखने आयो झूला खाने आयो? झूला खाने दोनों। ओ भाई ये क्या था भाई, लग जाएगी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी भी जस्ट उठाऊ मैं और हमने एक बहुत मस्त चीज अचीव किया, एक बहुत मस्त रिकॉर्ड हमने बनाया है YouTube इंडिया में। 50 डेज 50 ट्रेंडिंग, मतलब 50 दिन तक डेली वीडियो डाली मैंने और सारी के सारी ट्रेंडिंग है, मतलब 52 डाली है, 52 ट्रेंडिंग में आई है। देख लो, अभी कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था कि 10 वीडियोस ट्रेंडिंग में है डेली और अब बोल रहा हूँ 50। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, इंडिया के लिए, जो कि सिर्फ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जब मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे तब मैं बोलता था कि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आती, मेरी वीडियो, मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे बट मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती थी, और अब देखो डेली ट्रेंडिंग। सो थैंक यू सो मच गाइज। फिलहाल उठते हैं और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए गिव अवे भी है, आईफोन 13 का लेटेस्ट शो के हाथ में मिलकर हमने किया है। तो किस तरह से पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो और ये सुबह सुबह यहाँ पे धूप सेकते हुए कितना मजा ले रहा है मसाज। तो और ये को पर्सनल मसाज मिल रही है, सिर पे भी गले में भी। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में है आज हमारे पास हरी सब्जी एंड रोटी। खाना तो हो गया, अब चाय बना लेते हैं। तो गाइस दिवाली में ऑलमोस्ट कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपकी दिवाली स्पेशल बनाने के लिए लेटी शॉप के साथ मिलके हमने आप लोगों के लिए आईफोन 13 का गिव अवे रखा है। लेटी शॉप आपको पता होगा, लेटी शॉप एक कैशबैक एप्लीकेशन है जिसमें 2000 से भी ज्यादा स्टोर है जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, स्विगी, जिसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा कैशबैक और रिवॉर्ड्स मिलता है। तो किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करना है, तो सारे स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है लेटी शॉप का, आपको उसको डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना, अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखे और रजिस्टर है। तो स्टेप नंबर 2 है कि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो हम ऑर्डर करते हैं, दिवाली भी आ रही है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। तो उसके बाद आपको लेटी शॉप ऐप को ओपन करना है, उसमें आपने अमेजोन पे क्लिक करना है और उसके बाद गो टू स्टोर पे क्लिक करना है। फिर लेटी शॉप आपको अमेजोन पे ले जाएगा और फिर आपको नॉर्मल शॉपिंग करनी है, फिर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। जितना ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे उतना ज्यादा आपका चांसेस होगा जीतने का। अमेजोन पे जैसे ही आपका ऑर्डर शिप होगा उसके 48 आवर्स में आपका अमेजोन रिवॉर्ड आपके लेटी शॉप अकाउंट में ट्रैक हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपने अपनी लेटी शॉप की आईडी पेस्ट करनी है बस, फिर और इसको वेरीफाई होने में 30 दिन लगेंगे। तो अपने ऑर्डर को रिटर्न या फिर कैंसिल मत करना, तो ध्यान रखना बेस्ट ऑफ लक। कुछ ना कुछ तो हम बाय करते ही हैं, दिवाली आ रही है तो कुछ भी करो तो इसके थ्रू कर लेना, रिवॉर्ड से मिल जाएगा और आईफोन 13 भी आप जीत सकते हैं। तो पीयू से साइकिल लड़ाई हो चुकी है। अरे खोल ले साइकिल, गेट खोल, गेट खोल दे, चुपचाप नहीं मारेगा यार, खोल ले। क्या मैं इससे मत मारना, टूट जाएगा ये मेरा गोरिल्ला पॉड है। ओरी पीयूष दा शैलदा की लड़ाई होगी, शैलदा यहाँ पे है, पीयूष दा यहाँ पे है। उधर कहाँ से आ गया तू? अच्छा यहाँ से खुफिया रास्ता है वॉशरूम जाने का। आज बहुत टाइम के बाद हम इनोवा चलाएंगे, थार में नहीं जाएंगे। ओ भाई बहुत ही ज्यादा गर्म हो रखे भाई, एसी ऑन करते हैं जल्दी से। इस गाड़ी की खुशबू ही अलग है, थार की खुशबू अलग है, इसमें काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है, थार में इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ बिकॉज काफी टाइम से चली नहीं है, डीजल गाड़ी है। पापा जी का भी अलग ही स्वैग है, ऊपर चढ़ के अंदर से ताला लगा रहे हैं। वाह ओरियो कहाँ है? ओरियो सही बैठा बीच। मेरे को ऑटोमेटिक आया तो गया ना, मैं इसमें एक पैर यूज कर रहा था, क्या कंफर्टेबल है देखना, कंफर्ट नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, पीछे बैठ के इतना कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को चलाने में भी। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं घर देखने के लिए, हमको एक और सोसाइटी मिली है तो देख के आते हैं अगर वहाँ पे घर वगैरह मिलते हैं तो। बिकॉज जैसे कि आपको पता है अभी तो हम रेंट पे रहते हैं ना, तो घर का जुगाड़ करना जरूरी है जल्दी से जल्दी, परमानेंट ठिकाना होना चाहिए हमारा कोई, इसीलिए पूरी फैमिली जा रहे हैं घर देखने के लिए। ये वाला घर तो मिल नहीं रहा। सही है, मस्त लग रही है एरिया, तो ये भी सही लग रहा है। इस सोसाइटी में तो स्विमिंग पूल भी है और भी काफी सारी चीजें, जैसे ये है यहाँ पे पार्टी वार्टी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जिम वगैरह भी है, सोसाइटी का अलग से जिम है, कोई भी आ सकता है, और स्विमिंग पूल भी है, खेलने का एरिया भी है, बच्चों का सब कुछ है। ऊपर है स्विमिंग पूल, इधर जंगल है, सामने पहाड़, कैसा लगा? और ये यहाँ का स्विमिंग पूल टेरेस पे है, अभी तो पानी नहीं है इसमें, गंदा भी हो रखा है, पीयूष घुस गया उसके अंदर, देखते हैं, अच्छा लग रहा है वैसे तो, लेकिन पानी नहीं है यार इसमें, पानी तो अभी तक कूद जाते हैं भाई। ये सोसाइटी है पूरी, देखो यहाँ पे इस तरह के घर है सोसाइटी में, और सामने पहाड़ है और इधर जंगल है, सही है वैसे तो, साफ सुथरी सोसाइटी है, नीचे लेक भी है, सब कुछ है यार। ये वाली सोसाइटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रही है बिकॉज इसमें काफी सारी फैसिलिटीज हैं, घर भी देखो काफी सही है, सेम सेम से है। तो यहाँ पे खेलने वेलने का सब है भाई, लेकिन साफ सफाई है एकदम, है वालू गंदा मत कर दियो तू बस। पीयूष शांति कितनी है देख, कहीं कहीं से थोड़ी सी भी आवाज नहीं आ रही, कितनी शांति है देख, सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, हमारी आवाज आ रही है,
घर के आगे पीछे गार्डन भी है। लेकिन ये क्या हो गया यार, पुराने हैं क्या हुआ? रुमाल को डाला सिर्फ, गर्मी लग रही है। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पे ये गार्डन वार्डन है। देखते हैं जो भी रहता है फिलहाल। तो सोसाइटी तो अच्छी लग रही है। पीयूष साहिल ऊपर चले गए, कैसा लग रहा है ऊपर से? सही है, मैं भी आके देखूँ? ऊपर जाके देखते हैं अपन भी। तो ऊपर से सामने का व्यू कुछ इस टाइप का है, ये भी ठीक ही लग रहा है। एक और घर है यहाँ पे, वो भी देखते हैं। गाइज आप कमेंट करके बताना कि जिस सोसाइटी में अभी हम रहते हैं वो ज़्यादा अच्छी है, या फिर जिसमें हम अभी आए हैं देखने के लिए ये ज़्यादा अच्छी लगी आपको। बाय द वे यहाँ पे ज़्यादा गार्डन्स हैं, झूले वूले हैं, ये दोनों झूले पे बैठ चुके हैं। घर देखने आए हो, झूला खाने आए हो? झूला खाने दोनों। ओ भाई ये क्या था भाई, लग जाएगी। तो ये है तीसरा घर, तीसरा घर देखते हैं। और जी को शायद प्यास लग रही है। लग रही का। चलो फिलहाल निकलते हैं। तो अभी मम्मी पापा और ओरियो की गंभीर डिस्कशन चल रही है घर को लेके। बाकी कौन सा घर लेना है नहीं लेना वो घर वाले ही डिसाइड करेंगे, इसमें अपना कोई नहीं, अपन तो कहीं भी रह लेंगे। मैं तो वैसे भी ट्रैवल करता रहता हूँ, मम्मी पापा को कंफर्टेबल लगना चाहिए, बस कहीं भी रह लूंगा मैं तो। तो अभी हम आए हमारे एक सब्सक्राइबर घर पे, जिन्होंने वो सोसाइटी दिखाई थी ना, तो कह रहे थे हमारे घर भी चलो। चलो चल देते हैं। खोल दिया मैंने, खोलो। आपका बहुत स्वागत है सौरभ भाई। अरे थैंक यू थैंक यू। चलो चलो। और ऐसे दोस्ती कर लो। हेलो। इन्होंने मस्त घर बना रखा देख, अलग से ना खुला खुला गार्डन भी है। मैं बताऊँ अपने को भी ऐसे बनाना चाहिए भाई, खुला खुला ना, लैंड लेके खुद बनाते हैं। इस टाइप का अच्छा लगता है भाई, खुला देख कितना, गाड़ी की पार्किंग अंदर ही सब कुछ। तो ओरियो ने इससे दोस्ती कर ली है। तो इससे मिलो गाइस, ये है ब्राउनी और बहुत ज़्यादा क्यूट है ये, और ये स्ट्रीट डॉग है। जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने स्ट्रीट डॉग पाला है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। देखो कितने प्यारे होते हैं स्ट्रीट डॉग भी, सभी प्यारे होते हैं स्ट्रीट डॉग के। तो मुझे आपका घर सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच। हम भी सोच रहे हैं ऐसी बनाने का, लेकिन उसके लिए एरिया चाहिए ना। इनके घर के पीछे भी देखो कितनी बड़ी स्पेस है, यहाँ भी पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। तो आज हमने फर्स्ट टाइम देखा चीकू, चीकू का पेड़। अब ये कच्चा है देखो, और बाहर से भी देखो कितना मस्त लगता है। यहाँ भी शांति है एकदम, यहाँ पे सारे घर ऐसे ही बने हुए हैं, बड़े बड़े एरिया में, बड़े बड़े घर नहीं है, बड़े बड़े एरिया में हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कोई दूसरा घर देखने के लिए, भैया लेके जा रहे हैं हमको, देखते हैं कौन सा मम्मी लोगों को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो अभी एक और सोसाइटी में आ गए हैं, यहाँ पे एरिया मस्त है, सामने पहाड़ है। अभी यहाँ पे घर नहीं बने, बीच में दबाओ। हाँ बीच में, तुम दोनों पीछे ही थे क्या? देखते रहो मम्मी, जो आपको पसंद आता है ले लो। मम्मी को तो बस अब जहाँ हम रहते हैं वही घर पसंद है, लेकिन वो दे तो नहीं रहे, क्या करें, बारी बारी खोलना पड़ता है, इनको निकालना पड़ता है। तो अभी हम आएंगे वाला घर देखने। हाँ यहाँ पे तीन गाड़ी आ जाएंगी, चार गाड़ी। ये थोड़ा मॉडर्न लग रहा है ना। किचन कहाँ है? किचन मम्मी के लिए, किचन किचन किचन। गेट अच्छा है, किचन। अरे हाँ ये स्पेस तो मस्त है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे बढ़िया कह रहा है तू। नहीं सोसाइटी बढ़िया कह रहा था, वो घर भी बढ़िया कह रहा था, इनका घर भी बढ़िया कह रहा था, ये घर भी बढ़िया। इनका घर तो है फिर। तो ये वाला तो पसंद नहीं आया, बिकॉज इसमें खुला स्पेस तो बहुत ज्यादा है, बट इसमें कमरे कम है। तो अगर चाचा चाची भी आएंगे, दादा दादी भी आएंगे, तो सब कैसे रहेंगे कम कमरों में? तो हमको कमरे भी तो ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि फ्यूचर में चाचा चाची, कुनाली बड़ा हो रहा है, पीयूष बड़ा हो रहा है, सबको अपना अपना सेपरेट रूम चाहिए। तो हम सोच रहे कि बना ले खुद का। बाकी एरिया काफी खुला है देखो, इधर से उधर, इतने में और रूम बन सकते हैं। तो अभी सारे घर, प्लॉट, सोसाइटी सब देख लिया है, अब हम जा रहे हैं पीयूष के मायके। भाई थोड़ी सी बची है, लग जाती इस पे, बिल्कुल कोने पे लगानी पड़ी मुझे। तो पीयूष के मायके पहुंच गए, इसको हमेशा चढ़ाते मजा आता है। अरे मत कर यार, क्यों टंकी खराब कर रहा है? मम्मी बस पानी पिलाने में रहती है ओरियो को। क्या लग रही है उसको, यहाँ आके पानी पिया उसने, देख कहीं पानी नहीं पिया। ये हैं पीयूष की नानी जी, दो नाना जी और दादाजी मिलते हुए। हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज नहीं है यार, दादा दादी हैं पूर्वज। तो अभी हम आए कुछ खाने के लिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, दिन में कुछ खाया नहीं, सुबह निकल गए थे हम, वही घर वगैरह देख रहे थे। और ये देखो यहाँ पे मैगी, नहीं हुआ, नहीं होगा, चलो नहीं होगा, नहीं हुआ, ओ हो गया, अरे सो गाइस अभी सौर का करेंगे, करो। तो गाइस मेरे हाथ में बहुत खतरनाक चीज, बॉम्ब,
छोड़ो तो इसको इस तरह से फोड़ते हैं, देखो इसको कैसे करके फोड़ते हैं। अरे ओरियो किसने खोल दिया? ओलू। तो अभी अंधेरा हो चुका है, फिलहाल निकलते हैं घर। हेलो हेलो हेलो, बाय। बाहर से आने में काफी लेट हो गया था हमको, बट फिर मम्मी ने फटाक से दाल और रोटी बना दी हमारे लिए। घर कौन सा पसंद आया? कोई नहीं। घर कौन सा पसंद आया? कोई नहीं। घर कौन सा पसंद आया? घर कौन सा पसंद आया? कोई नहीं। पता नहीं कब पसंद आएगा इनको घर और कब हम अपने परमानेंट घर में जा पाएंगे। इतने घर देख लिए ना लिटरली, मैं व्लॉग में कभी कभी दिखाता हूँ, बट मम्मी पापा तो डेली जो कहते हैं हम दिखाते हैं, प्लॉट दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, मम्मी पापा चल देते हैं कहीं देखने के लिए, लेकिन पसंद अभी तक नहीं आया। रोज देखने के लिए चले जाते हैं। तेरे हिसाब का घर चाहिए हमें, ऐसे थोड़ी मेरे हिसाब का नहीं, अपने हिसाब का लो। तो वैसे दुआ करना हमको कोई अच्छे से घर मिल जाए और हम वहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो जाए। तो मस्त दाल रोटी बनी आज। तो डिनर हो गया है, फिलहाल मैं अब करूँगा एडिटिंग। आज आपने देखा हम पूरा दिन किस तरह से हाउस हंटिंग कर रहे थे। ये ओनली आज ही नहीं, मतलब डेली एक दो घर देखते रहते। व्लॉग में मैं नहीं दिखाता बिकॉज व्लॉग में डेली अच्छा नहीं लगता ना, तो आज गए थे सब, आज दिखा दिया मैंने। लेकिन मम्मी पापा तो जाते रहते, मान लो घर में नहीं है ना कहीं गए, समझ लेना नहीं गए। लेकिन फिर पसंद ही नहीं आया अभी तक, इतने देख लिए हमने, बट जो भी है रहेगा, मम्मी पापा को जो पसंद आएगा वहाँ पे कर लेंगे कुछ जुगाड़ जो भी रहेगा। फिलहाल इस व्लॉग को करता हूँ एंड। और हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, लेटेस्ट आपको डाउनलोड करना, आईफोन 13 आप जीत सकते हो। फिलहाल इस व्लॉग का एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ये रुक जा यार, मुझे बताने दे कौन है वो। यार बोलने दे यार तू। ओ समझी भाषा। अरे वाह, दो नाना और मिल गए। नाना और दादा, नाना जी और दादाजी मिलते हुए।